Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So guys, आज की जो कहानी है, अभी जब मैं आगे आपको सुनाऊंगी वो कहानी, आप खुद ब खुद अपने आप को इमेजिन करने लग जाओगे उस सिचुएशन में, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. जब मैं वो कहानी पढ़ रही थी, मेरे पास मेल में आया था ये स्टोरी, एंड पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा एक टाइम पे कि मैं खुद उस सिचुएशन में हूँ, मेरे साथ खुद यू नो वो सारी चीज़ें हो रही है प्रेजेंटली. ऐसा मुझे फील हुआ, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था मेरे लिए वो स्टोरी पढ़ना. एंड गाइस, ये कहानी मुझे भेजा है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने, उनका नाम है रेशमा. और इस स्टोरी में रेशमा के साथ साथ तीन लोग और इन्वॉल्व है जो कि रेशमा के दोस्त है. और ये एक्सपीरियंस रेशमा का तब शुरू होता है जब वो एक ट्रिप प्लान करती है अपने दोस्तों के साथ कसौली के लिए. सो ये सारा कुछ जो भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगी वो कसौली में हुआ है. एंड या गाइस, सो ऑन दिस नोट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइस, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये स्टोरी मुझे भेजा है रेशमा ने. और रेशमा के साथ ये इंसिडेंट, ये घटना हुआ था जुलाई 2019 में. सो मैं क्विकली पहले आपको रेशमा के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि वो कहाँ से है और ये ट्रिप कैसे प्लान हुआ. सो रेशमा बेसिकली गाइस मुंबई में रहती है और वहाँ पे वो एक जॉब कर रही है होटल इंडस्ट्री में. और वहाँ पे उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, उनका नाम है श्रद्धा. सो एक दिन क्या हुआ गाइस, वो लोग एक ट्रिप के लिए यू नो प्लान कर रहे थे, बिकॉज बहुत टाइम से वो लोगों ने कोई वेकेशन पे वो नहीं गए, बिकॉज होटल इंडस्ट्री में लीव्स लेना, लीव्स पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. होटल इंडस्ट्री जो होती है वो 24/7 का एक सर्विस है. सो वहाँ पे लीव्स मिलना या फिर लीव्स के लिए अप्लाई भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो इसी वजह से, इसी कारण यू नो रेशमा और श्रद्धा को भी बहुत टाइम से कोई लीव्स नहीं मिली थी, ना ही वो कोई वेकेशन प्लान कर पा रहे थे. तो इस बार दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार चलो हम लोग पक्का से एक ट्रिप प्लान करते हैं एंड फाइनली कहीं पे घूमने चलते हैं. सो रेशमा एंड श्रद्धा के दो दोस्त थे, एक का नाम था करण और दूसरा का नाम था बंटी. सो करण और बंटी दोनों ही दिल्ली में रहते थे. सो उन्होंने, श्रद्धा और रेशमा ने प्लान किया ये ट्रिप उन दोनों के साथ. और चारों ने ये डिसाइड किया कि एक ही जगह पे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, दो तीन जगह इस बार हम लोग एक ही बार में घूम लेते हैं, बिकॉज एनीवे रेशमा और श्रद्धा को लीव्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी. सो इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि अच्छा सा एक ट्रिप प्लान करते हैं इस बार. सो प्लान के अकॉर्डिंग रेशमा और श्रद्धा मुंबई से वो लोग पहले दिल्ली में आते हैं और वो करण और बंटी से मिलते हैं. सो करण और बंटी दोनों के पास ही गाड़ियां थी, तो एक गाड़ी वो लोगों ने लिया और वो लोग पहले गए चंडीगढ़ में. सो वो लोगों ने कोई ड्राइवर हायर नहीं किया, करण वॉज द वन जिन्होंने पूरे रास्ता यू नो गाड़ी चलाया. तो वो चारों पहले, जैसे मैंने आपको बताया, वो पहले चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ में दो दिन रुके वहां पे और उन्होंने खूब मस्ती की, खूब अच्छे से चंडीगढ़ को एक्सप्लोर किया. सारे दोस्त मिलकर काफी ज्यादा यू नो फन कर रहे थे. उसके बाद दो दिन बाद उनका प्लान था कसौली के लिए. फिर जब फाइनली वो लोग कसौली के लिए निकल गए, तो जो वो सफर था कसौली तक वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा. वो लोगों ने काफी मस्ती करी और वो लोग फाइनली सेफली कसौली पहुंच गए थे. सो पहुंचते ही वो लोग फिर से यू नो पूरे जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दी. वो लोग हर जगह गए एंड यू नो खाया पिया, काफी ज्यादा ये लोग का अच्छा टाइम बीत रहा था वहां पे. ऐसे घूमते घूमते काफी शाम हो गई थी और उन्होंने रियलाइज किया कि यार हम लोगों ने तो होटल बुक किया ही नहीं था, क्योंकि वो लोगों ने कसौली के लिए प्री बुकिंग नहीं की थी होटल का. उनका यही प्लान था कि वहां पे वो पहुंचेंगे कसौली एंड वहीं पे यू नो साथ साथ ही भी होटल में अपने लिए रूम्स बुक कर लेंगे. तो वो लोगों ने जब रूम्स के लिए, होटल के लिए खोजा, तो उनको ये पता चला कि कोई भी होटल वहां पे अवेलेबल नहीं था. ऑलमोस्ट सारे रूम्स बुक थे उस वक्त. तो वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ गए कि अब क्या करें. तो फाइनली एक होटल उनको वहां पे मिला एंड सरप्राइजिंगली वो होटल के जो रूम्स थे उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा कम थे. उनको दो रूम मिल गया है एक नाइट के लिए, दैट वाज कॉस्टेड रुपीज ओनली 2500. एंड दो रूम का प्राइस अगर आपको 2500 में मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा यू नो चीप है, स्पेशली उस टाइम पे जब सारे होटल्स के यू नो रूम सारे बुक थे. एक तो वो लोगों ने भी यही सोचा कि तो बहुत अच्छी डील है, तो चलो अभी सारे यू नो होटल की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं.
तो जब वो होटल के लिए रवाना हुए तो उन्होंने उस होटल का एड्रेस अपने जीपीएस अपने गूगल मैप पे डाला एंड ऑब्वियसली वो लोग को वहाँ के एड्रेसेस तो नहीं पता है बिकॉज वो लोग वहाँ पे घूमने गए हैं, तो उन्होंने जीपीएस का हेल्प लिया और वो लोग उस एड्रेस को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जब वो लोग उस लोकेशन के पास पहुंच रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि काफी ज्यादा अंदर है और एक मार्केट के काफी ज्यादा अंदर वो रास्ता जो है वो रूट जो है वो दिखाई दे रहा था। तो वो लोग जितने करीब पहुंचे उतना ही उनको काफी ज्यादा एक अजीब सी वाइब सी महसूस हुई एंड मतलब कोई लाइट नहीं था, बहुत ज्यादा सुनसान रास्ता था, अंधेरा था एकदम। तो रेशमा को जो है बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आने लग गई, वो काफी ज्यादा डर रही थी एंड उसको अजीब लग रहा था कि ऐसा क्यों है ये जगह, मतलब ये रास्ते में लाइट्स नहीं है, इतना अंधेरा है, यहाँ ऐसा क्या होटल है। पर बाकी के जो दोस्त थे रेशमा के, उन सब ने उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रही हो, मतलब कसौली से हिल स्टेशन है तो ऐसा होता होगा यहाँ पे। तो ये सोच के वो लोग गाड़ी जो है वो होटल के लिए आगे वो लोग बढ़ाते गए तो फाइनली वो लोग लोकेशन में पहुंच भी गए। नाउ स्ट्रेंज बात ये भी थी गाइस, जो वो लोकेशन जो एड्रेस था जो जीपीएस में फॉलो कर रहे थे उसका जब एंड आया गाइस, वो रियल में वो एंड नहीं, वो बल्कि एक डेड एंड था, उसके आगे कुछ था ही नहीं। वो एड्रेस उस कसौली उस जगह का एकदम एंड पार्ट था, ऐसा था कि आगे कुछ है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं। तो वो लोगों ने वहीं पे ऑब्वियसली अपनी गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा आसपास कि ऐसा तो कोई भी घर या होटल नहीं दिख रहा है, बट ठीक राइट साइड में उन्होंने जब देखा तो एक घर उनको दिखा एंड उस घर तक जाने के लिए वहां पे बहुत सारी यू नो सीढ़ियां थी, तो उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप उस घर तक पहुंच सकते हो। तो वो चारों दोस्त जो है उस घर की ओर चले, वो सीढ़ियां वो लोग चढ़े और उस घर तक पहुंच गए। तो उस घर के ठीक नीचे एक और छोटा सा घर था जिसमें से एक लेडी बाहर आती है और उस लेडी ने उन दोस्तों को देखकर ही पूछा कि क्या तुम ही लोग हो जो जिन्होंने दो रूम अभी बुक किया है, क्या वो तुम लोग हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम लोगों ने ही वो दो रूम्स अभी बुक किए हैं। तो कंफर्मेशन के लिए वो लेडी ने उन चारों का नाम भी बोला और उन्होंने बोला हाँ यही हमारा नाम है एंड वो लोग उस घर पे चले गए अंदर। तो जब वो घर के अंदर गए, उस होटल के अंदर गए एक्चुअली, तो उनको रियलाइज हुआ कि वो होटल नहीं था, वो बल्कि एक 4 BHK का एक बहुत बड़ा सा एक विला था जिसको होटल के पर्पस में वहां के जो लोग हैं जो ओनर होगा वो उस तरीके से उसको चलाते हैं। जब वो उस घर के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि वो घर इतना ज्यादा सुंदर था, इतने अच्छे से डेकोर था, मतलब सारा एंटिक एक्सेसरीज से सजाया हुआ था, पुराने पुराने जमाने की चीजों से उसे सजाया हुआ था और वो लोग चारों दोस्तों के जो आंखें एकदम चमक गई उस घर को देखकर। वो काफी ज्यादा खुश थे कि ये इस घर में वो लोग इस ट्रिप पे रहेंगे और इतने सस्ते में उनको वो डील भी मिल गई थी। सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट वो घर एक 4 BHK का था एंड उसमें से दो कमरे जो है वो नीचे लिविंग रूम के साथ अटैच था और दो कमरे उसके फर्स्ट फ्लोर में टेरेस के साथ अटैच था, यानी कि जैसे बीच में टेरेस था और बाकी जो दो कमरे थे वो एकदम सामने सामने थे। तो वो लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर वाले जो दो कमरे हैं वो लेंगे एंड वो चारों दोस्तों ने अपने अपने कमरे में वो लोग गए। फिर वो लोगों ने प्लान किया कि चलो अभी हम आए हैं तो सोएंगे तो बिल्कुल नहीं, जो हम लोग एक छोटी सी पार्टी करते हैं, खाते पीते मस्ती करते हैं मतलब आज रात। तो करण और बंटी जो है वो लोगों ने बोला कि तुम लोग यहीं पे रहो और हम लोग दोनों कुछ खाने पीने का सामान कुछ एक्स्ट्रा पार्टी के लिए हम लोग लेकर आते हैं। तो वो लोग मार्केट के लिए निकल गए एंड रेशमा और श्रद्धा ने तब तक डिसाइड किया कि चलो हम लोग एक फटाफट से फ्रेशन अप हो जाते हैं। तो तभी जो है वो घर का जो केयरटेकर है वो एक फीमेल थी, वो उस वक्त आई और रेशमा ने वहां पे उनको बोल दिया था कि आप हमारे लिए डिनर के लिए बहुत ही घर का बना हुआ खाना आप प्लीज तैयार करिएगा। तो उन्होंने बनाया था चिकन जिसकी तारीफ रेशमा ने बहुत ज्यादा की है मेल पे कि इतना ज्यादा डिलीशियस खाना था। बट वो जो लेडी थी, वो जो केयरटेकर थी, वो थोड़ी सी स्ट्रेंज दिखती भी थी और थोड़ी अजीब से बिहेव भी कर रही थी, जैसे थोड़ा सा शांत रहना, अच्छे से इंटरैक्ट उस तरीके से नहीं करना। बट खाना जो उनके हाथ से बना हुआ था बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगा रेशमा को। तो जब तक करण और बंटी उस पार्टी के लिए जो भी खाने पीने का वो सामान लेने के लिए गए, जब तक वो लोग वापस नहीं आते हैं तब तक श्रद्धा और रेशमा ने डिसाइड किया कि हम लोग फटाफट से थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं।
तो श्रद्धा ने बोला कि पहले मैं जा रही हूँ वॉशरूम, मैं नहा के आती हूँ, फिर तुम चले जाना। तो श्रद्धा वॉशरूम चली गई और रेशमा रूम में थी। तो रेशमा को अकेले में भी उस रूम में थोड़ी सी अजीब सा फील हो रहा था, उसको नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी। तो थोड़ी देर बाद ही उस कमरे में जो एसी लगाया हुआ था वो बंद था, बट अचानक से उस एसी से पानी गिरने लग गया। तो रेशमा को और भी ज्यादा डर लगने लग गया, क्योंकि बटन, एसी का स्विच, सब कुछ बंद था, तो पानी कैसे गिर रहा है। तो उसने श्रद्धा को आवाज लगाई कि श्रद्धा तुम जल्दी से बाहर आओ और देखो कि इसे पानी गिर रहा है जबकि स्विच ऑफ है। तो जब श्रद्धा बाहर आई तो पानी तो गिरा हुआ था पर एसी से पानी गिरना बंद हो गया था। तो श्रद्धा ने बोला कि नहीं, पानी तो नहीं गिर रहा है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज उनको ये चीज लगी कि एसी बंद है, ऐसे कैसे। तो श्रद्धा ने उस कैटेकर को बुलाया और उस कैटेकर को पूछा कि ये तो एसी बंद था तो पानी क्यों गिर रहा है। तो उस लेडी ने ये जवाब दिया कि नहीं, कोई टेक्निकल या सर्विसिंग का इशू होगा, इस वजह से पानी गिर रहा होगा। बट इस बात को ज्यादा जोर देकर जब रेशमा ने उससे सवाल पूछा कि पर स्विच तो ऑफ था तो ये गिर कैसे सकता है, मतलब अगर ऑन होता तो भी मैं समझ सकती हूँ कि चलो यू नो ज्यादा कूलिंग हो जाने से भी कभी कभार लीक करता है एसी, तो इस वजह से, पर एसी तो बंद था। तो उसने उस चीज का कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस रेशमा को थोड़ा सा स्टेयर किया एंड देन शी लेफ्ट द रूम। तो उसके बाद श्रद्धा ने रेशमा को बोला कि देखो तुम डरो मत या ओवरथिंक मत करो, ये टेक्निकल इश्यू हो सकता है जिस वजह से एसी का पानी लीक कर गया, तुम जल्दी से वॉशरूम जाओ एंड बहुत अच्छा गर्म पानी आ रहा है, मैंने अभी अभी गीजर ऑन किया था, तो तुम जाके नहा लो। तो उसने सोचा कि ठीक है, मतलब सही कह रही है, मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊंगी, तो जो भी मुझे ऐसा फील हो रहा है तो शायद ऐसा नहीं फील हो। तो वो वॉशरूम गई इन्होंने नहाने। तो स्ट्रेंज बात ये थी, जब उसने पानी चूके देखा तो वो बिल्कुल ही ठंडा पानी था, जबकि श्रद्धा ने कहा था कि वो पानी बहुत ज्यादा गर्म है। पर फिर भी रेशमा ने सोचा कि ठीक है, ठंडा हो गया होगा, तो उसने गीजर ऑन किया। तो गीजर से भी वो बहुत टाइम तक वेट करी पर पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा ही आया था, गर्म पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसके बाद रेशमा को ऐसा फील हुआ कि वॉशरूम में वो अकेली नहीं है, कोई और भी है। तो उसको ये फीलिंग आते ही उसने सोचा कि छोड़ो, मैं नहीं नहाती हूँ, इससे अच्छा मतलब मैं वही बाहर जाके बैठती हूँ। तो वो बाहर आ गई और उसने अपनी दोस्त के साथ बैठना सही समझा, देन टेकिंग अ बाथ, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था वहां पे। फिर उसके बाद वो लोगों ने रियलाइज किया कि करण और बंटी को काफी टाइम हो गया था, 45 मिनट्स हो गया था, वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। क्योंकि जब वो लोग मार्केट के लिए निकले थे तो उन्होंने, वो दो दोस्तों ने, करण और बंटी ने, उस कैटेकर को पूछा था कि कोई दुकान है क्या आसपास। तो उसने बोला था कि हाँ, बस 15 मिनट की दूरी में एक दुकान है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो 15 मिनट्स का जो रास्ता था उनको 45 मिनट्स ऐसे क्यों लग रहा है, तो वो थोड़े टेंशन में आ गए। तो सोचते सोचते उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि अरे मार्केट तो काफी ज्यादा अंदर था। जब होटल का वो रूट वो फॉलो कर रहे थे तो उन्होंने पहले ही बताया था कि मार्केट के अंदर था, काफी ज्यादा अंदर था, 15 मिनट्स का डिस्टेंस में तो बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे बात करते पर फाइनली करण और बंटी वापस आ जाते हैं सेफली और वो लोग अपनी पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। तो ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे रात के, तो वो लोगों ने सोचा कि ठीक है कुछ टाइम हम लोग पार्टी कर लेते हैं एंड बातें बातें करते हैं, तो उसके बाद हम लोग सोने चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते खाते पीते रात के 3 बज चुके थे ऑलरेडी। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया सबने कि चलो अभी अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। तो पार्टी जो हो रही थी वो करण और बंटी के कमरे में हो रही थी, तो रेशमा और श्रद्धा जो है अपने कमरे में चले गए। तो जब वो अपने कमरे के लिए गए तो बीच में जो टेरेस का दरवाजा था तो उस टेरेस को भी उन्होंने अच्छे से देखा कि अच्छे से वो पूरा लॉक था वो टेरेस। तो उसे चेक करने के बाद दोनों दोस्त अपने कमरे में आ जाते हैं एंड जो मेन दरवाजा है उनके कमरे का वो श्रद्धा ने बहुत ही अच्छे से लॉक कर दिया है। वहां पे करीब 4 लॉक्स थे, उन्होंने चारों में अच्छे से लॉक कर दिया था। एंड उसके बाद श्रद्धा गई वॉशरूम में एक बार फिर से और रेशमा अपने बेड पे जस्ट लेटी हुई थी। तभी जब श्रद्धा वॉशरूम में थी अंदर, अचानक से जो दरवाजा था उस रूम का ठीक उनके बेड के साइड में ही था, वो एकदम से खुल जाता है। तो इतना ज्यादा पेट्रीफाइंग सिचुएशन था, ऐसा सिचुएशन था कि जब इंसान को उस लेवल का डर लगता है कि वो हिल भी नहीं पाता है कि क्या करे, सोचने की शक्ति खो देता है, वैसा सिचुएशन था रेशमा के लिए। रेशमा उस दरवाजे को बंद करने के वजह वो उसको घूरते रह गई कि ये हुआ कैसे, जबकि इतने सारे लॉक्स लगे थे, ये खुल कैसे गया।
तो उसी वक्त श्रद्धा यू नो वॉशरूम से आती है, लिटरली मुझे ये बोलते बोलते इतना ज्यादा मतलब गूजबम्स आ रहा है, आप इमेजिन करिए मतलब ऐसा अगर हो तो कितना ज्यादा स्ट्रेंज लग सकता है किसी को। बट एनी वे जब श्रद्धा वॉशरूम से यू नो बाहर आती है, वो देखती है कि दरवाजा एकदम खुला हुआ है, तो वो जोर से अपनी दोस्त रेशमा को बोलती है कि तुमने ये दरवाजा क्यों खोला है। तो रेशमा तब तक तो उस दरवाजे पर घूर रही होती है, तो उसने एकदम से बोला श्रद्धा को कि नहीं श्रद्धा मैंने नहीं खोला है, ये खुद ब खुद खुल गया है। तो श्रद्धा ने क्योंकि खुद से लॉक किया था तो उसके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी ये चीज, तो एकदम डर के मारे वो एकदम से जोर से चिल्लाई और वो तुरंत भागी और दरवाजे को फिर से उसने बंद कर दिया। तो वो दोनों को इतना ज्यादा डर लग गया कि उन्होंने सही समझा कि अपने दोस्तों को फोन करना ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल ही फोन करना चाहिए था। तो उन्होंने श्रद्धा ने पहले करण को फोन लगाया, करण को बहुत बार फोन किया बट करण की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। तो वो लोगों ने यही सोचा क्योंकि करण बहुत ज्यादा इन्हों थका हुआ था, क्योंकि वो करण ने ही पूरी जर्नी इन्हों गाड़ी चलाई जिस वजह से उसको नींद आ गई होगी, तो इस वजह से वो सो गया होगा जिस कारण वो फोन नहीं उठा रहा है या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। फिर उसने बंटी को भी कॉल किया श्रद्धा ने। फिर ठीक 5 मिनट बाद रेशमा और श्रद्धा के कमरे में दरवाजे के बाहर नॉक आता है, तो रेशमा दरवाजा खोलने जाती है, पर श्रद्धा ने उसको एकदम से मना कर दिया कि नहीं दरवाजा मत खोलो, क्या पता बंटी ना हो और कोई और ही हो या फिर कोई एक चाल हो किसी चीज की, बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, उनको ये साथ ये सिचुएशन के साथ उनको एक बहुत नेगेटिव सी फीलिंग भी आ रही थी, काफी शॉकिंग चीजें हो रही थी। तो उसने बोला कि नहीं तुम दरवाजा मत खोलो। तो रेशमा ने बंटी को कॉल किया तो बंटी ने बोला कि मैं ही हूं तुम लोग के कमरे के बाहर, दरवाजा खोलो, अभी अभी श्रद्धा का बहुत जोर से आवाज मैंने सुना चिल्लाते हुए तो मैं यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमें बहुत डर लग रहा है दरवाजा खोलने में भी, हम ठीक है तुम आराम से चले जाओ एंड तुम अपने कमरे में जाके तुम सो जाओ, हम ठीक है। तो बंटी ने बोला कि ठीक है अगर तुम लोगों को कोई जरूरत है तो प्लीज फोन कर देना और डरो मत, कुछ भी नहीं है, मैं कमरे में ही हूं। तो वो कहकर बंटी अपने कमरे में चला गया एंड उसके बाद दोनों दोस्त जो है बिस्तर पे आके बैठ गए और उनको काफी ज्यादा डर लग रहा था। गाइस अब एक्चुअल जो चीज है वो शुरू होती है, वो ये कि उनको लगातार ही बेड के आसपास फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही थी। तो उनका जो वो रूम था उसमें वुडन फ्लोरिंग था, तो वुडन फ्लोरिंग की आवाज में अगर कोई चलता है वो और ज्यादा क्लियर लगता है, मतलब अगर पास से सुनाई दे रहा है तो वो चीज उनको सुनाई दे रही थी कि आसपास जैसे कोई घूम रहा है। फुटस्टेप्स ही नहीं, थोड़ी देर बाद लाइट्स भी ऑन ऑफ करके टाइप होने लग गए। वो लोगों को बहुत ज्यादा डर लग गया, वो लोग तुरंत ही भगवान का नाम लेने लग गए, प्रेयर्स करने लग गए। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली वो लोग ट्रिप पे आए थे सो उस कमरे में और ना ही उनके पास कोई मूर्ति थी भगवान की कि जिसे वो प्लेस करके उनके सामने प्रार्थना कर पाए, ऐसा भी नहीं था। तो वो मन ही मन इन्हों प्रेयर्स करने लग गए, बल्कि वो दोनों दोस्त रेशमा और श्रद्धा माफी मांगने लगे उस सुपरनेचुरल चीज से जो उनको लग रहा है कि कोई जैसे घूम रहा है उनके आसपास, उनसे माफी मांगने लग गए ये कहकर कि अगर हम इन्हों तुम्हारे जगह में आ चुके हैं जिस जगह में तुम नहीं चाहते थे हम कोई भी आए, तो प्लीज हमें माफ कर दो, हमें आप प्लीज हार्म मत करना। तो इस तरीके की वो विनती करते रहे, वो माफी मांगते रहे, पर पूरा टाइम ये आवाज उनके पास आती गई, उनको सुनाई देती गई। वो दोनों भी बहुत ज्यादा थके हुए थे बट वो दोनों अपने आप को एकदम से जगे रखे कि उनको आंख बंद करने में ही डर लग रहा था। तो वो लोग पूरी रात इन्हों जगे रहे एंड वो आवाज वो लाइट्स का ऑन ऑफ ये चलता गया। ठीक जब सुबह हुई थोड़ी सी डे लाइट आई तब हल्की सी नींद आ गई दोनों को। और रेशमा ने तो यही सोचा कि मतलब रेशमा ने गिव अप कर दिया कि ठीक है अब जो होगा अब होगा, अब नहीं हिम्मत है मतलब जगने की भी, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, उनकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। तो उसने सोचा कि अब तो जो होगा सो होगा, क्योंकि अभी थोड़ा डे लाइट आ गया तो थोड़ी हिम्मत भी आ गई थी, बट खुद ब खुद उनको नींद आ गई और उनकी आंख लग गई। उसके बाद श्रद्धा ने रेशमा को 9 बजे जगाया और बोला कि जल्दी से उठो, वॉशरूम जाओ, फ्रेशन अप हो, एंड मैंने बैग्स पैक कर लिया है एंड फटाफट से इस
रूम से, इस होटल से, इस घर से निकलते हैं। तो दोनों ने फटाफट से करण को भी फोन किया, करण और बंटी को, और बोला कि हम लोग तुम लोगों से डायरेक्टली ना नीचे मिलेंगे लिविंग रूम में, तो तुम लोग सारे बैग्स वगैरह लेकर तुरंत ही नीचे आओ। तो उसके बाद वो लोग दोनों दोस्त लिविंग रूम में गए। उसके बाद करण और बंटी ने भी उनको लिविंग रूम में ज्वाइन किया। फिर रेशमा और श्रद्धा ने अपने दोनों दोस्त करण और बंटी को ये सारी अपनी चीजें बताई कि रात को क्या क्या हुआ ये सब। बट करण और बंटी उन दोनों दोस्तों पे हंसने लग गए और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि वो लोगों ने उनको कन्विंस करना चाहा कि इसी घर में और दो दिन रुक जाते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा सस्ते में इतना सुंदर घर विला हमें और कहीं नहीं मिलेगा, सो और थोड़े दो दिन रह लेते हैं। क्योंकि करण और बंटी को बहुत ज्यादा पसंद आया घर, और वो घर बहुत ज्यादा सुंदर भी था, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया। तो इस वजह से करण को और बंटी को वो विला जाने छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट रेशमा और श्रद्धा ने हार नहीं मानी और उन दोनों ने अपने दोनों दोस्तों को मनाया, कन्विंस किया कि नहीं, यहाँ से चलो, हम यहाँ पे एकदम से नहीं रहेंगे। और फाइनली करण और बंटी मान गए और वो लोग अपना सारा बैग वैग लेके अपनी गाड़ी की ओर चले उस विला को छोड़ते हुए। जब वो लोग थोड़ा सा आगे आए, मतलब नीचे आए थोड़ा, तो वहां से जो रूट था उस लोकेशन के लिए, उस विला के लिए, और जो विला था वो बहुत क्लियरली उनको दिख रहा था। बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग रात को पहुंचे, करण और बंटी भी रात को ही निकले थे कोई भी सामान लेने के लिए, तो रूट और वो विला बाहर से उनको क्लियरली ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रहा था। बट जब वो लोगों ने क्लियरली वो रूट और वो विला देखा, तो उन्होंने ये नोटिस किया, गाइस, जो एंड था, मैंने आपको बताया था उस लोकेशन को फॉलो करते हुए वो विला एकदम एंड में था, वो डेड एंड ही नहीं बल्कि वो एक क्लिफ था, यानी कि एक खाई था ठीक नीचे। और वहां से उनको दिखाई दिया कि रेशमा और श्रद्धा का जो कमरा था वहां पे बैल्कनी अटैच थी, और उस बैल्कनी के ठीक नीचे कोई रोड नहीं था, वो डायरेक्ट खाई था। तो ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा डर गए कि ये किस टाइप का, मतलब इतना स्ट्रेंज लोकेशन में ये घर बना हुआ है, तो उनको बहुत ज्यादा डर भी लगा। सो एंड पे रेशमा ने यही मेंशन किया है कि अगर वहां पे उनको ये लगता है कि अगर वो दो दिन और उस घर पे रुकते तो शायद रेशमा आज नहीं जिंदा होती मुझे ये मेल लिखने के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन उनके लिए बहुत ज्यादा ही डेंजरस था। मैंने जैसे आपको ऑलरेडी कहा है कि बहुत पेट्रीफाइंग सिचुएशन था उसके लिए, यानी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे ऐसा डर, देखिए गाइस, डर दो तरीके का होता है। एक होता है आपका आपको कुछ चीजों से डर लग रहा है एंड आप किसी को फोन कर रहे हो, आप बोल रहे हो, पर और एक सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको डर उस लेवल का लगता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करो, आपकी सोचने की जो शक्ति है वो एकदम खत्म हो जाती है, आप हिल नहीं सकते हो। इस टाइप का सिचुएशन था रेशमा और श्रद्धा के लिए वहां पे, एंड इट वॉज वेरी 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 टेरिफाइंग। आज भी रेशमा की ये स्टोरी जब वो दूसरों को बताती है तो कोई भी बिलीव नहीं करता है। बट गाइज, मुझे ऐसी चीजों पे बिलीव है क्योंकि मेरे साथ खुद एक ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसको मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया है, एंड उसका उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि रेशमा का भी ये कहना है कि उसको खुद नहीं पता कि ये क्या चीज था, बिकॉज उसने बस प्रेजेंस को महसूस किया है, वो चीज उन्होंने खुद से अपनी आंखों से नहीं देखा है। सो ऑब्वियसली ऐसी चीजें आप अगर किसी और को बोलोगे तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, एंड मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि ये चीज ही ऐसी होती है, जब तक ये आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं होगा आपका खुद के साथ, जो कि मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग किसी के साथ भी आपको ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिले भी, और तब तक आप दूसरों की कहानियों में बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने चैनल में बहुत सारे हॉरर स्टोरीज बोलती हूँ, कुछ चीजों पे मुझे पर्सनली मैं फील नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऑब्वियसली सेम एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं हुआ है। बट ये कहानी जो रेशमा ने बोला है दैट वो प्रेजेंस फील करना, फुटस्टेप्स का सुनना और एकदम फील करना कि आपके पास ही कोई खड़ा है या फिर वॉक कर रहा है, ये चीज मैंने फील किया है, और इसीलिए मैं रेशमा की कहानी को पूरा बिलीव करती हूँ। एंड या गाइस, सो दिस इज इट, ये स्टोरी थी रेशमा की, एंड इट वाज वेरी वेरी टेरिफाइंग इवन टू इमेजिन। एंड या, सो दिस इज इट, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
If yes, then please do like, comment, share and guys, please subscribe my channel. And अगर आप लोग के पास भी इस टाइप के हॉरर स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस है एंड आप चाहते हो कि मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊं मेरे चैनल के थ्रू, देन प्लीज आप लोग मुझे अपनी स्टोरी एक्सपीरियंस मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं. दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा. सो या आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून. टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे होम. Bye.